अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 9 स्टार्ट करेंगे, फंडामेंटल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री वर्ड जो है वो बेसिकली थ्री ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है, ट्राई, गोनी और मेट्रॉन। ट्राई मीन्स थ्री, गोनी मीन्स एंगल्स एंड मेट्रॉन मीन्स मयरमेंट। तो ट्रिग्नोमेट्री जो है वो बेसिकली मयरमेंट ऑफ ट्राइंगल है, एंगल्स की यहाँ पे हम मयरमेंट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं कि एंगल होता क्या है। टू रेज़ विद ए कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट फॉर्म एन एंगल। कोई भी दो रेज़ जिनका एक पॉइंट जो है वो मुश्तरका हो, कॉमन हो, वो एक एंगल बनाती हैं। रे और लाइन में क्या फ़र्क होता है कि जो रे है उसकी वन साइड जो है वो एक्सटेंडेबल होती है, एक साइड पे एरो होता है, उसे हम बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम कोई भी दो रेज़ ले लेते हैं, ओ ए और ओ बी, जिनका एक पॉइंट जो है कॉमन ले लिया, जो कि पॉइंट ओ हो गया। तो ये जो दोनों रेज़ हैं ये मिलके एक एंगल बनाती हैं, ये जो इनके दरमियान में बन रहा है ये वाला एंगल, ठीक है। अब वन ऑफ द रेज़ ऑफ एंगल इज़ कॉल्ड इनिशियल साइड एंड द अदर इज़ कॉल्ड टर्मिनल साइड। इन दोनों रेज़ में से जहाँ से हमने एंगल स्टार्ट किया था वो इनिशियल साइड होगी या इनिशियल रे होगी, और जहाँ पे हमने एंगल एंड किया वो टर्मिनल साइड या टर्मिनल रे कहलाएगी। इसमें एंगल ए ओ बी में हमारे पास ओ ए जो है वो इनिशियल रे होगी और ओ बी जो है वो टर्मिनल रे होगी, ठीक है। अब एंगल दो तरह का होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव एंगल हो सकता है। पॉजिटिव और नेगेटिव एंगल होता क्या है? एन एंगल इज सेड टू बी पॉजिटिव और नेगेटिव इफ द रोटेशन इज एंटी क्लॉक वाइज और क्लॉक वाइज। अगर किसी भी एंगल की रोटेशन एंटी क्लॉक वाइज है, मीन्स जिस सिमत में घड़ी की सुइयां घूमती हैं उससे ओपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, तो वो एंगल जो है वो पॉजिटिव कहलाएगा। और अगर किसी भी एंगल की मयरमेंट जो है या रोटेशन जो है वो क्लॉक वाइज डायरेक्शन में हो जाए, जिस सिमत में घड़ी की सुइयां घूमती हैं उस सिमत में हो जाए, तो वो एंगल जो है वो नेगेटिव एंगल कहलाएगा। यहाँ पे दो फिगर्स में दो तरह के एंगल्स दिए हुए, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। फर्स्ट में देखें तो ए ओ बी को मयर करते हुए हम एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में मूव करें, ये जो एरो लगा हुआ है इससे डायरेक्शन एंगल की पता चलती है। तो यहाँ पे देखें तो एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन है, तो ये जो है एंगल पॉजिटिव हो जाएगा। और सेकंड फिगर में देखें तो ओ ए से हमने मयर किया है ओ बी की तरफ, लेकिन हमारे पास डायरेक्शन क्लॉक वाइज है, जिस सिमत में घड़ी की सुइयाँ घूमती हैं, ठीक है। तो ये जो एंगल है ये नेगेटिव एंगल कहलाएगा। एंगल्स आर डिनोटेड बाई ग्रीक लेटर्स सच एज अल्फ़ा, बीटा, गैमा एंड थीटा। इन लेटर्स से एंगल्स को जो है वो डिनोट किया जाता है। एंगल्स को मेयर करने के लिए हम बेसिकली दो तरह की मेयरमेंट्स यूज़ करते हैं, डिग्रीज और रेडियंस, ठीक है। अब दो तरह की मेयरमेंट्स यूज़ करते हुए हमारे पास फिर दो तरह के सिस्टम्स आ जाते हैं। एक सिस्टम ऐसा होता है जिसमें हम जो एंगल्स हैं उन्हें डिग्रीज में मेयर कर रहे होते हैं, दूसरे सिस्टम में हम उसे रेडियंस में मेयर कर रहे होते हैं। डिग्रीज तो हमने बहुत पहले से पढ़ा भी हुआ है, हमें पता भी है कि वो क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है सेक्सागेसिमल सिस्टम। अब सेक्सागेसिमल सिस्टम क्या है? सिस्टम इन विच एन एंगल इज़ मेयर्ड इन डिग्रीज, मिनट्स एंड सेकेंड्स इज कॉल्ड सेक्सागेसिमल सिस्टम। मीन्स ऐसा सिस्टम जहाँ पे हम मेयरमेंट जो है वो डिग्रीज, मिनट्स या सेकेंड्स में जो है वो कर रहे हैं, तो वो सेक्सागेसिमल सिस्टम कहलाएगा। हमें पता है कि एक जो पूरी रोटेशन है या एक पूरा जो सर्कल है वो 360 डिग्रीज बनाता है, ठीक है। तो जिस पॉइंट से हमने स्टार्ट किया था इनिशियल पॉइंट, उसी को अगर हम टर्मिनल रे समझ के वहीं पे एंड करें, तो हमारे पास ये जो एंगल है ये पूरी एक रोटेशन कंप्लीट कर रहा है, तो हमारे पास ये 360 डिग्रीज हो जाएंगे, ठीक है। अब इसी की हाफ अगर हम करें, तो हमारे पास ये जो एंगल है वो हाफ करने से ये बन जाता है। ये जो हमारे पास कंप्लीट रोटेशन थी उसका हाफ किया तो हमारे पास 180 डिग्रीज हो गया। यहाँ पे हमारे पास इसका कॉमन पॉइंट जो है वो ओ हो गया, और जो इनिशियल रे है वो राइट साइड पे, टर्मिनल रे उसके लेफ्ट साइड पे। तो यहाँ से हम अगर इसे मेयर करते हैं तो हमारे पास 180 डिग्रीज हो गया टोटल। इसी तरह से जो ये हाफ जो है रोटेशन वो इक्वल टू 180 डिग्रीज होगी, और जब उसको एक रोटेशन का 1/4 करते हैं, मतलब हाफ रोटेशन का भी फर्दर हाफ करते हैं, तो हमारे पास वो 90 डिग्रीज के इक्वल आ जाती है, जो कि ये बन रही। कंप्लीट रोटेशन 360 डिग्रीज की हो गई, हाफ रोटेशन जो है वो 180 डिग्रीज की हो गई, और जो 1/4 रोटेशन है वो हमारे पास 90 डिग्रीज के इक्वल आ गई, ठीक है।
अब वन रोटेशन जो है वो 360 डिग्रीज की होती है। अब वन जो डिग्री है वो 60 मिनट्स के इक्वल होता है, और इसी तरह से वन मिनट जो है वो 60 डिग्रीज के इक्वल होता है। एक रोटेशन में 360 डिग्रीज होंगी, एक डिग्री में 60 मिनट्स होंगे, एक मिनट में 60 सेकेंड्स होंगे। ठीक है, ये हमारे पास सेक्साडेसिमल सिस्टम हो गया। अब वो सिस्टम जिसमें हम रेडियंस में मेयरमेंट कर रहे हैं, वो सिस्टम हमारे पास सर्कुलर सिस्टम कहलाता है। रेडियन क्या होता है? रेडियन इज़ द मेजर ऑफ एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ सर्कल बाय एन आर्क हुज लेंथ इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ सर्कल। हमारे पास कोई भी रेडियस है जिसकी हम लेंथ आर ले लेते हैं। ठीक है, इस रेडियस की लेंथ के इक्वल हम इस सर्कल के जो सर्कमफेरेंस है वहाँ पे हम एक आर्क ले लेते हैं जिसे हमने ए बी का नाम दे दिया, और उसकी लेंथ जो है वो इक्वल टू हमने रेडियस ऑफ सर्कल लेनी है, मीन्स आर के इक्वल लेनी है। ठीक है, अब ये जो आर्क ए बी सर्कल के सेंटर पे एंगल बनाएगी उसे हम वन रेडियन कहते हैं। ठीक है, किसी भी सर्कल की जो रेडियस है उसके इक्वल आर्क लेके वो जो एंगल सेंटर पे बना रही होगी वो हमारे पास वन रेडियन की इक्वल हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ये जो एंगल बन रहा है ये वन रेडियन हो गया। अब वन रोटेशन जो है उसमें हमारे पास 2 पाई रेडियंस होते हैं। ठीक है, और अगर हमारे पास वन रोटेशन में 2 पाई रेडियंस होते हैं तो हमें पता है कि वन रोटेशन में डिग्रीज में देखा जाए तो 360 डिग्रीज होती हैं, और रेडियंस में देखा जाए तो 2 पाई रेडियंस होते हैं। तो इसका मतलब क्या है? हमारे पास 2 पाई रेडियंस जो हैं वो इक्वल आ जाएगा 360 डिग्रीज के, और यहाँ से अगर हम पाई रेडियंस निकालें तो पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्रीज आ जाता है। ठीक है, यहाँ से अगर हम 180 डिग्रीज निकालना चाहें तो वो पाई बाय 180 रेडियन हो जाएगा, और यहाँ से अगर हम 1 रेडियन निकालना चाहें तो 180 डिवाइडेड बाय पाई डिग्रीज हो जाएगा। ठीक है, ये इनका आपस में रिलेशन है। नेक्स्ट है रिलेशन बिटवीन द लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ ए सर्कल एंड सर्कुलर मेजर ऑफ इट्स सेंट्रल एंगल। मीन्स आर्क लेंथ और जो सर्कुलर मेजर में जो एंगल हमारे पास सेंट्रल एंगल बन रहा है। ठीक है, रेडियन में जो भी सेंट्रल एंगल बन रहा है उनका आपस में ताल्लुक क्या होता है? एल इज इक्वल टू आर थीटा। एल जो है यहाँ पे आर्क लेंथ हो गई, आर जो है वो इस सर्कल का रेडियस हो गया, और थीटा जो है वो रेडियन में एंगल हो गया। ठीक है, ये जो एंगल यहाँ पे बन रहा था वो थीटा हो गया, ए बी की जो लेंथ है वो एल हो गई, और ये जो रेडियस है सर्कल का वो आर हो गया। इनमें आपस में ताल्लुक लेंथ और थीटा में क्या ताल्लुक होता है सर्कुलर मेजर में? एल इज इक्वल टू आर थीटा होता है। ठीक है, अब हम एक्सरसाइज 9.1 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग सेक्सागेसिमल मेजर्स ऑफ एंगल्स इन रेडियंस। अब हमारे पास यहाँ पे जो डिग्रीज में दिया हुआ है, डिग्रीज मिनट्स या सेकंड्स में एंगल दिया हुआ है, हमने उसे रेडियंस में कन्वर्ट करना है। ठीक है, अब हमें पता है कि जो पाई रेडियंस हैं वो इक्वल टू 180 डिग्रीज होते हैं, ये या आपने याद भी रखना है। अगर ये 180 डिग्रीज होते हैं तो यहाँ से अगर हम 1 डिग्री निकालना चाहें तो ये 180 को इधर मूव करेंगे लेफ्ट पे, तो हमारे पास आ जाएगा 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियंस। अब क्वेश्चन में हमारे पास दिया हुआ है 105 डिग्रीज है। अगर 105 डिग्रीज है तो उसे हम लिख सकते हैं 105 मल्टीप्लाई 1 डिग्री। 1 डिग्री को रिप्लेस कर देते हैं पाई बाई 180 रेडियंस से, तो हमारे पास यहाँ से आ जाएगा सॉल्व करने के बाद 105 डिग्रीज जो है वो इक्वल आ जाएगा 7 पाई बाई 12 रेडियंस। ठीक है, अब इसके बाद ये नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ये 16th है। यहाँ पे हमारे पास 3 सेकेंड्स को हमने जो है वो उसमें कन्वर्ट करना है रेडियंस में। अब रेडियंस या डिग्रीज में जब भी कन्वर्ट करते हैं तो हमारे पास डिग्रीज में होगा तो रेडियन में कन्वर्ट कर लेते हैं, रेडियन में होता है तो डिग्री में कन्वर्ट कर लेते हैं, लेकिन ना ही डायरेक्ट सेकंड से डिग्रीज में कन्वर्ट, ना ही डायरेक्ट सेकंड से रेडियन में कन्वर्ट किया जा सकता है, और ना ही मिनट से डायरेक्टली रेडियंस में कन्वर्ट किया जा सकता है। जब भी हमारे पास एंगल डिग्रीज में होगा तो हम रेडियन में मूव कर सकते हैं, लेकिन अगर हमारे पास एंगल मिनट्स या सेकंड्स में होगा तो हम डायरेक्टली उसे डिग्रीज में कन्वर्ट, वो उसमें रेडियंस में कन्वर्ट नहीं कर सकते। हमें सबसे पहले डिग्रीज में कन्वर्ट करना पड़ेगा एंगल को, उसके बाद हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, मिनट्स या सेकंड्स में होगा तो हम पहले डिग्रीज में कन्वर्ट करते हैं फिर उसको रेडियंस में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि हम मिनट्स या सेकेंड से डायरेक्टली रेडियन में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो हमारे पास यहाँ पे 3 सेकेंड्स दिया हुआ है। अब ये चीज़ हमें पता है कि इसको अगर हमने डिग्रीज में कन्वर्ट करना है
तो डिग्री एक बड़ा है ना, बड़ी मेजरमेंट है। जब भी हमने छोटी से बड़ी मेजरमेंट में जाना होता है तो हम डिवीजन करते हैं, तो हम डिवाइड करेंगे। अब हमें पता है कि 1 डिग्री में 60 मिनट्स होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं। यहाँ पे हमने सेकेंड से डिग्रीज में मूव करना है, ठीक है? तो जब हम सेकेंड से मिनट में मूव करेंगे तो 3 को 60 पे डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास सेकेंड से हम मिनट्स में चले गए। एक और 60 पे डिवाइड करेंगे तो हम सेकेंड से डिग्रीज में चले गए, ठीक है? तो हमारे पास आ जाएगा 3। जब भी हम लोगों ने सेकेंड से डिग्रीज में कन्वर्ट करना है तो हमने उसको 2 टाइम 60 पे डिवाइड करना है, मीन्स 3600 पे डिवाइड करेंगे तो हम सेकेंड से डिग्रीज पे जा सकते हैं। सेकेंड से मिनट में जाने के लिए हम 60 पे डिवाइड करते हैं, मिनट से डिग्री पे जाने के लिए हम फिर 60 पे डिवाइड करते हैं, ठीक है? अब इसको 3 से कैंसिल आउट किया, 60 को हमारे पास आ गया 1/20 मल्टीप्लाई 60 डिग्रीज में चला गया। सॉल्व करने से 1/1200 डिग्रीज हो गया। हमें पता है कि 1 डिग्री इक्वल होता है पाई बाय 180 रेडियंस के, तो ये जो 3 सेकेंड्स था ये इक्वल हमारे पास आया था 1/1200 डिग्रीज के। इसे हम लिख सकते हैं 1/1200 मल्टीप्लाई 1 डिग्री। 1 डिग्री इक्वल होता है पाई बाय 180 रेडियन के वैल्यू पुट की, और इसे सिंपलीफाई किया तो हमारे पास आ गया 3 सेकेंड्स जो है वो इक्वल आ गया पाई बाय 216000 रेडियन, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, कन्वर्ट द फॉलोइंग रेडियन मेजर्स ऑफ एंगल्स इनटू सेक्सागेसिमल मेजर ऑफ एंगल सिस्टम। पहले हमने डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट किया था, अब हमारे पास क्वेश्चन जो है वो रेडियंस में दिया हुआ है, अब हमने डिग्रीज में मूव करना है, ठीक है? तो ये चीज़ हमें पता है कि पाई रेडियन जो है वो इक्वल होता है 180 डिग्रीज के। अगर हम यहाँ से 1 रेडियन निकालें तो वो इक्वल हो जाएगा 180 डिग्रीज डिवाइडेड बाय पाई के। यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है 5 पाई बाय 6 रेडियन, ठीक है? उसे हम लिख सकते हैं 5 पाई बाय 6 मल्टीप्लाई 1 रेडियन। 1 रेडियन के हमें वैल्यू पता है कि वो इक्वल होता है 180 डिग्रीज डिवाइडेड बाय पाई के। पाई पाई से कैंसिल हुआ और उसे सिंपलीफाई किया तो हमारे पास 5 पाई बाय 6 जो है वो इक्वल टू 150 डिग्रीज आ गया। अब ये सेक्सागेसिमल सिस्टम में हमारे पास डिग्रीज में आंसर आ गया, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 15 है, 19 पाई बाय 32 रेडियंस दिया हुआ है, हमने यहाँ से उसे डिग्रीज में कन्वर्ट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता है कि 1 रेडियन जो है वो इक्वल होता है 180 डिग्रीज डिवाइडेड बाय पाई के। हम 19 पाई बाय 32 को लिख सकते हैं, 19 पाई बाय 32 मल्टीप्लाई 1 रेडियन, और 1 रेडियन को जब रिप्लेस करते हैं हम 180 बाय पाई डिग्रीज से तो हमारे पास आ जाता है 180 डिग्रीज डिवाइडेड बाय पाई मल्टीप्लाई 19 पाई बाय 32। पाई पाई से कैंसिल हुआ, हमारे पास आ जाएगा 180 मल्टीप्लाई 19 बाय 32 डिग्रीज। सिंप्लीफाई करने से 855 बाय 8 डिग्रीज जो है वो इक्वल आ गया 19 पाई बाय 32। नेक्स्ट हम इसे अगर डिवाइड करें, होल में कन्वर्ट करें, तो हमारे पास आ जाता है ये जो 855 डिवाइडेड बाय 8 था, इसे अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास ये आ जाता है इक्वल टू 105 होल 7 बाई 8 डिग्रीज के। यहाँ से जो 106 है वो कंप्लीट डिग्रीज है, ठीक है? ये 7 बाय 8 फ्रैक्शनल है, फ्रैक्शनल पार्ट को अलग कर लेंगे, 106 को अलग कर लेंगे तो 106 डिग्रीज अलग हो जाएगा, तो हमारे पास बाकी रिमेनिंग रह जाएगा 7 बाय 8 डिग्रीज। ये जो 7 बाय 8 जितने भी फ्रैक्शनल आएंगे, जो फ्रैक्शन में होंगे, बटे में होंगी वैल्यूज, उनको हमने डिग्री से मिनट में लेके जाना है, मिनट से अगर फिर भी वो फ्रैक्शन में रह जाता है तो उसे सेकंड्स में भी लेके जाना, ठीक है? जो हमारे पास होल पार्ट था, इंटीजर था, वो 106 डिग्रीज था, उसे अलग करके 7 बाय 8 डिग्रीज को अगर हम मिनट्स में कन्वर्ट करें तो हमें पता है कि जब हमने स्मॉल मेजरमेंट से लार्ज में जाते हैं, बड़ी मेजरमेंट्स में जाते हैं तो हम डिवीजन करते हैं, लेकिन अगर हमने बड़ी मेजरमेंट से छोटी में जाना है, मीन्स डिग्री से हमने मिनट्स में जाना है, तो हम मल्टीप्लिकेशन करते होते हैं। तो यहाँ पे अगर हमने डिग्री से मिनट्स में जाना है तो हम 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, अगर हमने मिनट से डिग्रीज में जाना हो तो 60 पे डिवाइड कर देते होते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो 7 बाय 8 मल्टीप्लाई 60 है ये अब हमारे पास मिनट्स में आ जाएगा, इस पर मिनट्स लगा दिया, इसको सिंपलीफाई किया तो हमारे पास आ गया 105 बाय 2 मिनट्स, ठीक है? 106 डिग्रीज मल्टीप्लाई 105 डिवाइडेड बाय 2 मिनट्स, ठीक है? इसको फर्दर डिवाइड करते हैं, 105 को 2 पे जब डिवाइड किया तो हमारे पास आ जाएगा 106 डिग्रीज एज इट इज़, और 52 होल 1 बाय 2 मिनट्स आ गया। यहाँ से 52 हमारे पास होल है, कंप्लीट एक नंबर है, तो जो इंटीजर है उसे सेपरेट कर लेते हैं, हमारे पास आ गया 106 डिग्रीज,
52 मिनट्स, और ये जो 1/2 मिनट्स हैं क्योंकि ये फ्रैक्शनल पार्ट है, इसे फर्दर हमने सेकंड्स में कन्वर्ट करना है। सेकंड्स में कन्वर्ट करना है तो ये हमें पता है कि जब मिनट्स में हमारे पास है तो एक मिनट से सेकंड में जाना हो तो हम फिर उसे 60 से मल्टीप्लाई करते हैं। स्मॉल मेजरमेंट में जा रहे हैं, इट मीन्स कि 60 से मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि हमारे पास एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं, ठीक है। तो हमने 1/2 को 60 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास आ गया 106 डिग्रीज 52 मिनट्स एंड 1/2 मल्टीप्लाई 60 सेकेंड्स। इसे सिंपलीफाई करते हैं तो हमारे पास 2 से 60 को कैंसिल आउट करते हैं, हमारे पास आ जाएगा 106 डिग्रीज 52 मिनट्स एंड 32 सेकेंड्स, ठीक है। 19π/32 को हमने, ये रेडियंस में था, हमने इसे सेक्सागेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट किया, मिनट्स डिग्रीज और सेकेंड्स में कन्वर्ट किया तो हमारे पास यहाँ से आ गया 106 डिग्रीज 52 मिनट्स एंड 30 सेकेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह कल कंटिन्यू करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।